राज्य में कार्यरत 10,528 संविदा कार्मिक होंगे नियमित। दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत 4,966 एवं मदरसा बोर्ड के 5,562 कार्मिक होंगे नियमित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सुविधा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत 9 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले सुविधा कर्मियों के लिए सुविधा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। नव सृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, MIS मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक के 48, समन्वयक अभिसरण और मूल्यांकन के 48, समन्वयक IEC प्रशिक्षण के 40, प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ एवं प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का एक एक पद शामिल है। मंत्रालय के संवर्ग के 333 नवीन पदों का सृजन किया गया। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में 18 पद सृजित किए गए। 9 वर्षों से अधिक कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को लाभ मिलेगा। गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5,562 पदों के सृजन का फैसला किया है। नवसृजित पदों में शिक्षा अनुदेशक के 5,220, कंप्यूटर अनुदेशक के 215, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 व शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं।